Hello everyone. पेनीटेशन टेस्टिंग के सीरीज़ को वापस से कंटिन्यू करेंगे और आज हम समझने वाले हैं विंडोज़ एक्सप्लोइटेशन के बारे में यानी कि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक कर सकते हैं और किस तरीके से अपने प्रिवलिजेस को बढ़ा सकते हैं यानी कि अपने जो आपके राइट्स होते हैं किसी भी एक यूज़र के उस राइट्स को कैसे हम बढ़ा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो कि बिगिनर्स हैं स्पेशली जो पेनिटेशन टेस्टिंग में करियर बनाना चाह रहे हैं और बहुत ही अमेजिंग ये रूम है ब्लू एक ईजी इसका जो लेवल है वो ईजी है ट्रैक में का एक रूम है और डिस्क्रिप्शन पे लिंक है इस रूम का वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं तो बिना किसी तरीके हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो मेरा नाम राहुल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके तो सबसे पहला जो हमारा अटैक बॉक्स है हम उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं देन हमारा मशीन हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे जो मेरा मशीन है वो स्टार्ट हो चुका है स्टार्ट जब तक मशीन हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने इससे पहले की मेरी वीडियोज़ नहीं देखी जहाँ पर मैंने आपको वेब पेनरेशन टेस्टिंग के बारे में बताया है या फिर जहाँ पर मैंने आपको मेटास्पाइट फ्रेमवर्क का कंप्लीट टूटोरियल दी हैं सूट के बारे में डिटेल में बताया है इवन अगर आप वायर के बारे में पढ़ना चाहते हो तो मैंने उसके ऊपर भी डिटेल में प्ले लिस्ट बना के रखी हुई हैं डू चेक और दोज प्ले लिस्ट इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न अबाउट दोज टूल्स एंड सभी टूल्स के जितने भी लिंक हैं वो आई बटन पर मिल जाएगा आपको तो वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं सो इन द मेन टाइम जो हमारा पहला क्वेश्चन है हम देख लेते हैं तो पहला क्वेश्चन है लैब यूज़र एन टी एल एम हैश डिस्क्रिप्टेड अब इसका मतलब यह है कि हमको हमारे टारगेट मशीन को स्कैन करना पड़ेगा ऑब्वियसली सबसे पहले एंड स्कैन करने के बाद वहाँ पर कोई एक यूज़र है लैब नाम का उस यूज़र का जो हैश होगा उसको डिक्रिप्ट करना है और उसको आंसर हमें यहाँ पे लिखना है तो सबसे पहला जो हमारा टास्क होगा वो ये होगा कि जो हमारा टारगेट है हमको उसको पेनिट्रेट करना पड़ेगा यानी कि वहाँ में उस, हमें कोई वर्नेबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी वर्नेबिलिटी को ढूंढने के बाद हमको वहाँ पे अटैक परफॉर्म करना पड़ेगा देन हम वहाँ पर उसको हैक करके आगे के फर्दर जो क्वेश्चन हैं उसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं तो जो हमारा टारगेट आई है वो हमको यहाँ पे मिल रहा है वो हमारा टारगेट आई मैंने है यहाँ से कॉपी कर लिया तो मशीन हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है सबसे पहले हमको यहाँ पे जो आई पी हमने वो कॉपी कर लिया है आई पी को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ जो स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन में कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे देखने के लिए ओके लेट्स ओपन द टर्मिनल एंड पेज दैट आई पी और अब मैं यहाँ पे उसको कॉपी कर लेता हूँ एन मैप मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले आपको पता है हम स्कैनिंग परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे हम एन मैप का इस्तेमाल करने वाले हैं टारगेट को स्कैन करने के लिए एंड इनफैक्ट अगर आपको एनवेप के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैंने स्कैनिंग के ऊपर डिटेल में कंप्लीट कोर्स बना के मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखे अपने चैनल पे जो कि बिल्कुल भी फ्री है आप वहाँ पर जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं तो यहाँ पे हमारे जो एनवे का स्कैन है वो यहाँ पर आ चुका है अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि पोर्ट एट्टीज का ओपन है पोर्ट 135, 139, फाइव वन यानी कि जो 139 थर्टी नाइन यहाँ पर पोर्ट है वो आपको पता ही होगा एस का पोर्ट होता है तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कोई एस की वर्नबिलिटी भी, भी हो इसके अलावा यहाँ पे 443 यानी कि एस टी टी पे ओपन हो रखा है साथ में फोर फोर फाइव थ्री थ्री जीरो सिक्स एटी एट्टी एक और वेब का प्रोटोकॉल यहाँ पे रन हो रहा है जो कि है एस टी टी पी प्रॉक्सी और उसका पोर्ट नंबर एट्टी एट्टी पर रन हो रहा है तो अगर आपको देखना है सबसे पहले एस एम बी की वर्डबिलिटी तो उसके लिए आप एन एम फॉर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं एन एम फॉर लिनिक्स जो है एक ऐसी टूल है लिनिक्स में जिसका आप इस्तेमाल करते हो एस एम बी की वर्डबिलिटी को देखने के लिए तो मैं फिलहाल उसका यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ एन एम फॉर लिनिक्स और जो मेरा टारगेट है मैं उसका आई पी यहाँ पर दे देता हूँ और प्रेस करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हो अगर आपके सिस्टम में कोई एस की अवेलेबिलिटी होगी तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इफॉर्मेशन मिल जाती है जब आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन अगर मैं यहाँ पे अब फिलहाल के लिए बताता हूँ तो मुझे कुछ खास इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रही है तो इट मीन्स यहाँ पर कुछ ऐसी जूसी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ओके okay, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ब्राउज़र ओपन करता हूँ और जो यहाँ पर पोर्ट एट्टी पर सर्विस रन हो रही है सबसे पहले मैं वो चेक कर लेता हूँ क्या है तो मैंने पे ब्राउज़र ओपन कर लिया पेन टेस्टिंग का रोल ये होता है कि सबसे पहले आपको जितनी ज़्यादा भी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो आपको उतनी ज़्यादा इफॉर्मेशन गैदरिंग करनी पड़ती है ताकि जो फर्दर आपके स्टेप्स हैं जो आप लेने वाले हो वो आप केजी हो जाएँ उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है तो ये आप हमेशा याद रखना तो जो मेरा आई था मैंने यहाँ पे कॉपी कौ कर दिया एंटर में प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर एक मुझे एरर देखने को मिला है फाइल और डायरेक्टरी नॉट फाउंड ओके और अगर मैं यहाँ पर जो मेरा दूसरा वाला पोर्ट था यानी कि जो एट्टी एट्टी एक सर्विस यहाँ पर रन हो रही थी मैं अब यहाँ पर इसको ट्राई करके देखता हूँ तो हम यहाँ पे कॉलन लगा के पोर्ट नंबर दे देंगे प्रेस करेंगे तो देखिए तो यहाँ पे जो मेरा वेब सर्वर है यहाँ पर एट्टी एट्टी पे, पे यहाँ पे उसने होस्ट कर रखा है और यहाँ पे ओ एस कॉमर्स टू पॉइंट अब इसको नहीं पता ओ एस कॉमर्स क्या है तो बेसिकली ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर है ओ एस कॉमर्स और यहाँ पर हम मेरे को उसका नंबर है यानी कि नंबर क्या है जो इसका प्रोडक्ट का वर्जन है वो मुझे यहाँ पता चल रहा है वो है टू अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसका कैटलॉग और डॉक्यूमेंट मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं तो अभी मुझे फिलहाल क्या चेक करना मुझे चेक करने की जो यहाँ पर ओ कॉमर्स का सॉफ्टवेयर रन हो रहा है इसके लिए कोई मेरे पास पेलोड है कोई एक्सप्लाइट है या फिर नहीं है तो उसके लिए मैं एक, एक इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे मेटास्प्लाइट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करने वाला हूँ इसमें देखने के लिए कि क्या मैं इसको एक्सपर्ट कर सकता हूँ या फिर नहीं सबसे पहले यहाँ पे मैं एम एस एफ कंसोल लिख के जो मेरा मेटास्प्लाइट फ्रेमवर्क है मैं उसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ मेटास्प्लाइट फ्रेमवर्क लॉन्च हो चुका है तो अब सबसे पहले मुझे क्या करना है अगर मेरे मैटास्प्लाट फ्रेमवर्क के अंदर ओएस कॉमर्स के रिगार्डिंग कोई भी एक्सप्ल प्लट अवेलेबल है अवेले मुझे उसको देखना है तो उसको देखने के लिए मैं सबसे पहले सर्च का कमांड का इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ पे आपको सर्च लिखना है और जो आपका सॉफ्टवेयर है आप उसका नाम लिखोगे तो यहाँ पर मैं ओ कॉमर्स का वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है तो मैंने ओ एस कॉमर्स यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे मेरे पास दो एक्सप्लॉइट आ गए हैं एक एक्सप्लॉइट यूनिक्स वेब है और एक है मल्टी एस टी टीपी ओ एस कॉमर्स डॉलर तो हम इस एक्सप्लॉइट का यूज करने वाले हैं एस टी टीपी वाले का सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे यूज कमांड का इस्तेमाल करना है यूज वन अब क्योंकि

कॉपी करने के बाद अब मुझे यहाँ पे रिमोट पोर्ट देना है और याद रखिएगा सबसे तो पहले अगर हम चेक करा होगा स्कैनिंग के दौरान तो ये पोर्ट एट्टी एट्टी पर रन कर रहा है तो यहाँ पे मुझे पोर्ट 80 को चेंज करके 8080 एट्टी करना है दिन यहाँ पे आपको यू पेस्ट करना है आपका यानी कि जो वहाँ पे अगर आप चैनल चेक कराओगे तो जो यू है वो है स्लैश ओ कॉमर्स करके था मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ़िलहाल जो हम हैं वो ओ कॉमर्स के अंदर हैं तो हमको यहाँ पर ओ एस कामर्स का यू आर एल वहाँ पर हम मुझे देना है तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ सेट यू आर आई ओ एस कॉमर्स स्लैश और उसके बाद यहाँ पे जो कैटलॉग स्लैश इंस्टॉल प्रेस करना है अब यहाँ पे आपको कमांड रन करनी है रन या फिर आप एक्सप्लॉइट का भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपने मेटास्प्लेट फ्रेमवर्क के बारे में और ज़्यादा जानना है तो उसके ऊपर डिटेल में मैंने वीडियोस बना के रखी हैं तो वो वाली वीडियो ज़रूर चेक कर लें आई बटन पर लिंक है तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि मेटास्प्लेट को किस तरीके से इफेक्टिवली आप यूज़ कर सकते हैं और देखा आपने किस तरीके से मैंने सिस्टम पर जो एक्सेस बना लिया है क्योंकि यहाँ पर जो है मीटर पेटर सेशन है वो ओपन हो चुका है तो देखा आपने किस तरीके से मैंने उस सिस्टम की वर्नेबिलिटी का इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पे सेशन लिया है लेकिन वर्डबिलिटी क्या थी वर्डबिलिटी थी उसका आउटडेटेड वर्जन इसलिए कहते हैं जो भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको उसको कंटिन्यूसली आपको अपडेट करते रहना चाहिए अब यहाँ पे मेरा मीटरप्यूटर सेशन तो आ चुका है लेकिन अब मुझे हैशेस चाहिए तो फिलहाल मैं यहाँ पे अगर सिक्स इन्फो करके ट्राई करता हूँ यहाँ पे चेक करने का कि फिलहाल मैं कौन सा सिस्टम पे हूँ तो यहाँ पे भी देख सकते हो मैं यहाँ पे विंडोज सेवन पे आ चुका हूँ जिसका नाम है ब्लू प्रिंट मीटरप्यूटर पी एच पी विडोज अब क्योंकि आपको पता होगा अगर हम मीटर पेटर में तो बहुत सिंपल सी कमांड है, हैश ड आप यहाँ पे हैश डम्प चलाएँगे और यहाँ पे आपको हैशेस मिल जाएंगे आ, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे को हैशेस यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं इसके लिए मुझे आई गेस मुझे यहाँ पे प्रिविलेज एस्केलेशन करना पड़ेगा इसके हैशेस को निकालने के लिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने पहले लिख रखा था कि हैक इन टू दिस विंडोज मशीन एंड एस्केलेट योर प्रिवेज टू द एडमिनिस्ट्रेटर अब क्योंकि मैं यहाँ पे हैशेस कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके लिए मुझे ज़रूरत है यहाँ पे अपने प्रिवलेज को बढ़ाने के लिए तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह है की हैश डम्प से रिलेटेड कमांड देखने के लिए नहीं मिलेगी तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे एक पेरोड इंस्टॉल करना पड़ेगा अब पेरोड आप कैसे इंस्टॉल करोगे क्योंकि आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है अपलोड का अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप मीटर पेटर का सेशन आपने ओपन कर रखा है तो मीटर पेटर के अंदर यहाँ पर अभी इतनी पावर है कि वो आपके सिस्टम से या फिर आपके सर्वर से कोई भी एक सॉफ्टवेयर जो है इनके मशीन में इंस्टॉल करवा के आप वहाँ पर एक्सेस ले सकते हो तो अब हम क्या करेंगे हम एक दूसरा सेशन यहाँ पर ओपन करेंगे मैं दूसरा टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे एक पेलोड रेडी करूँगा एम एस एफ के थ्रू एम एस एफ वैनएम विंडोज़ लोकल यहाँ पे दे देता हूँ जो मेरा मशीन का आईपी है वो टेन डॉट टेन डॉट एटी फोर डॉट वन सिक्सटी एट एलपोर्ट में यहाँ पे दे देता हूँ फोर 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 तो फॉर्मेट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं मैं ब्लू डॉट ई एक्सी में दे देता हूँ यहाँ पे फॉर्मेट अपना ओके okay, तो यहाँ पे एक एरर मुझे देखने को मिला है क्योंकि मैं यहाँ पे फॉर्मेट में ई एक्सी लगाना भूल गया था तो मैं यहाँ पे वापस से आईफन फॉर्मेट और यहाँ पे मैं ई एक्स सी लगा के ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे दूंगा प्रेस करूंगा होपफुली अब हमारा पीलोड जो है सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा ओके okay, तो जो मेरा पेलोड है वो सक्सेसफुल यहाँ पे जनरेट हो चुका है अब मुझे क्या करना है मुझे यहाँ पे इस वाले पेलोड को मेरी जो टारगेट मशीन का जहाँ पे मैंने एक्सेस ले रखा है मुझे उस मशीन पे जाकर इस पेलोड को अपलोड करना है एंड इस मशीन पे दूसरा मीटर बेटा का सेशन लेके मैं यहाँ पे उसका एक्सेस ले सकता हूँ कैसे करना है तो सिंपल आपको वापस से एम एस एफ कंसोल यहाँ पे लिखना है मेटास्पेड फ्रेमवर्क ऑन करना है इन द मेन टाइम जब तक कि मेटास्पेड फ्रेमवर्क ओपन हो रहा है मैं यहाँ पर जाता हूँ तो मैं यहाँ पे आ गया अपनी पुरानी मशीन पे यानी कि विंडोज सेवन जिसको मैंने अभी हैक कर रखा है तो यहाँ पे मैं उस पेलोड को अपलोड कर दूंगा तो मैंने यहाँ पे अपलोड लिखना है अपलोड लिखने के बाद जो मेरा पेलोड का नाम था वो था ब्लू डॉट ई एक्सी एंटर मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ अब यहाँ पर देख सकते हो जो मेरा पेलोड है वो सक्सेसफुल यहाँ पर आ चुका है मैं आपको एल करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो ब्लू डॉट ई एक्सी मैंने यहाँ पर सक्सेसफुल इंस्टॉल कर दिया है अब यहाँ पर आपको क्या करना है आपको इस ब्लू डॉट ई एक्सी को एग्जीक्यूट करना है एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर एक एग्जीक्यूट कमांड होती है मैं आपको हेल्प लेके बताता हूँ मैंने यहाँ पे हेल्प लिखा और यहाँ पे आपको दिख दिख जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए कोई भी कमांड अगर आपको विंडोज में एग्जीक्यूट करनी है ऑन बीफ मीटर पेटर आप यहाँ पे एग्जीक्यूट का इस्तेमाल कर सकते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है यूज़ एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर एंटरप्राइस मैंने करा उसके बाद मुझे यहाँ पे पेलोड पे पे सेलेक्ट करना है वही पेलोड आप सेलेक्ट करोगे जो आपने पेलोड को बनाते वक्त इस्तेमाल करा था विंडोज़ मीटर पेटर रिवर्स टी सी पी शो ऑप्शन आपको यहाँ पे लिखने हैं और जो जो आपने पैरामीटर्स पहले सेट करते थे सेम पैरामीटर आपको यहाँ पे भी सेट करने हैं लोकल उसमें आप अपनी मशीन का आई दे दोगे टेन डॉट टेन डॉट एट्टी फोर डॉट वन सिक्सटी एट एंडर आप प्रेस करेंगे देन आप यहाँ पे रन प्रेस करेंगे ओके okay, तो यहाँ पे एक अननोन मेरे पास एरर आ गया अननोन कमांड मैं वापस से यहाँ पे शो ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे देना है एक्सप्लॉइट तो यहाँ पे मेरा जो रिवर्स टी सी पी हैंडर है वो ऑन हो चुका है अब मुझे वापस से अपने टर्मिनल पे जाना है और इस वाली फाइल को जो मैंने अभी यहाँ पे इंस्टॉल करी है यानी कि ब्लू डॉट एक सी मुझे उसको एग्जीक्यूट करना है एग्जीक्यूट करने के मैं, मैं कमांड बता चुका हूँ एग्जीक्यूट हाइफन एफ और जो ब्लू वाला मैंने कमांड दिया था वो मुझे यहाँ पर देना है ब्लू डॉट ई एक सी एंटरप्रेस करेंगे अब यहाँ पर भी देख सकते हो जो मेरा प्रोसेस है वो क्रिएट हो चुका है अब अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने टर्मिनल पर अब अगर आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा मीटर पेटर का सेशन है वो ओपन हो चुका है राइट तो जैसे ही वहाँ पे पेलोड पे एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पे मेरा सेशन बन गया है सेशन को चेक करने के लिए यहाँ पे सेशन आप लिखोगे और यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपका सेशन का आईडी उस आईडी पे जाने के लिए आपको सेशन हाइफन आई और आपका सेशन का आईडी नंबर आप यहाँ पे दोगे एंटर आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका मीटर पेटर का सेशन यहाँ पे आ चुका है अब अगर मैं यहाँ पे हेल्प कमांड रन करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखेगा हैश डम का एक कमांड जो कि अब आप एग्जीक्यूट कर सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर क्योंकि पहले जिस यूज़र के बिहाफ पे आपने सिस्टम को हैक किया था उस यूज़र के पास इतना प्रिविलेज नहीं था इतने राइट्स नहीं थे कि वो आपको हैश डम ला के दे लेकिन अब हमने जो पेरियड बनाया है उस पेरियड के अंदर इतनी पावर है कि उसने डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स हमको दे दिए अब अगर मैं यहाँ पे हैश स्ट लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आपको हो लैब का जो हैशेज़ है वो देखने के लिए मिल जाते हैं अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा इसको मुझे कॉप कॉपी करना है कॉपी करने के बाद मैं क्रैक स्टेशन पे जाऊँगा जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पहले की वीडियो में बता चुका हूँ और इस वाली साइड से मैं इन हैशेज़ को प्लेन टैक्स में कन्वर्ट करूँगा तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर कैप्चा फिल करना पड़ेगा कैप्चर को फिल करने के बाद जब मैं क्रैक हैशेस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखेगा गूगल प्लस सेम आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है और इस वाले आंसर को हमको यहाँ पे दे देना है एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते जो हो जो हमारा आंसर है बिल्कुल सही है दूसरा हमारे पास आंसर है रूट डॉ टी एक्स टी यानी कि अब हमको रूट डॉट टी एक्स टी वाली फाइल जो है वो ढूंढनी है यहाँ पर हम एल एस करेंगे एल एस करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सी फाइल्स हैं तो अब इसकी हम रूट डायरेक्ट्री में जाके देखते हैं कि आप हमको कौन कौन सी डायरेक्टरीज देखने के लिए मिल जाती है जहाँ पे हम रूट डॉट टी को सर्च कर सकते हैं तो फिलहाल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास अलग अलग तरह के यहाँ पे डायरेक्टरीज़ हैं और डायरेक्टरी में हमको यहाँ पे यूज़र्स की डायरेक्टरी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है तो यहाँ पर सी और हम यूज़र्स लिखते हैं तो मैं यूज़र डायरेक्टरी में आ चुका हूँ एल में करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह के डायरेक्टरीज यहाँ पे देखने के लिए मुझे मिल जाती हैं सबसे पहले हम चेक करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर पे। तो अगर मैं यहाँ पे सी एडमिनिस्ट्रेटर करके चेक करूँ तो यहाँ पे मेरे को कुछ डायरेक्टरीज मिल रही हैं यहाँ पे अगर डेस्कटॉप पे अगर आप जाके देखें तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ एल एस में करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिस टेक्स्ट फाइल को मैं ढूंढ रहा था टेक्स्ट फाइल यहाँ पे है कैट कमांड का मैं इस्तेमाल करूँगा इस फाइल को रीड करने के और देखते हैं क्या वो यही फाइल है इसको हम ढूंढ रहे हैं अमेजिंग तो यहाँ पे देख सकते हो मुझे टी एच एम का यहाँ पे मुझे फ्लैग मिल चुका है इस फ्लैग को मैं करूँगा कॉपी कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको करूँगा पेस्ट और जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ आप देख सकते हो कंग्रेचुलेन्स यू हैव कम्पलीटेड द रूम तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली इस रूम को कम्प्लीट कर लिया है तो ये था आज की इस वीडियो में दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से विंडोज़ के बेसिक हम एक्सपर्टेशन करते हैं और कैसे अपने प्रेविलिज को बढ़ाते हैं इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियोस कैसे रहेगी तभी मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा मिलता है वीडियो में टिल देन गुड बाय